आप देख रहे हैं वॉइस टीवी, खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं रक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी, खबर सबसे तेज। सपा बसपा गठबंधन के बाद आज फिरोजाबाद में सपा बसपा ने मिलकर बनाया बसपा प्रमुख मायावती का जन्मदिन। फिरोजाबाद के एक कॉलेज में आज बसपा प्रमुख मायावती का 63वां जन्मदिवस मनाया गया। सपा बसपा गठबंधन के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिला जहां सपा बसपा दोनों ही समर्थक साथ हों और साथ मिलकर बसपा पार्टी की प्रमुख मायावती का जन्मदिन मनाया गया। आज दोनों ही पार्टी की नेता शामिल रहे और साथ मिलकर बड़ी ही खुशी से कार्यक्रम किया। फिरोजाबाद से साहिल खान की रिपोर्ट। आज माननीय बहन कुमारी मायावती जी के 63वें जन्मदिन पर आज हम बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ने एक मंच से माननीय बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन मनाया है और माननीय बहन कुमारी मायावती जी को हार्दिक शुभकामना और बधाइयाँ दी हैं। क्या लगता है आपको, ये पहले भी आपका एक बार गठबंधन हुआ था जिसमें भी आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्या ये चलेगा? माननीय बहन कुमारी मायावती जी और माननीय अखिलेश यादव जी ने बड़े सूझबूझ के साथ ये गठबंधन हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी लोग परेशान हैं, ऐसे ही आप कह रहे हैं। मगर ये गठबंधन 2019 नहीं, 2000 आने वाले समय तक माननीय बहन जी का और माननीय अखिलेश यादव जी का ये गठबंधन अटूट है और आगे चलेगा। यहाँ पर आज मंच पर क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी साझा हुए हैं? अरे आपके सामने की बात है, विधान परिषद सदस्य हमारे साथ हैं, बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक हैं, एमएलसी साहब सब लोग मंच पे देख ही रहे हैं। कुछ नेता ऐसा हैं जो बीजेपी पार्टी छोड़ करके इस पार्टी में ज्वाइन किया है, क्या उनको दिख रहा है ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी भविष्य उज्जवल नहीं है? डीडी जैन इंटर कॉलेज में बहन जी का 63वां जन्मदिन था, उसे धूमधाम से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया और ये एकता का संदेश है। ये समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी गठबंधन है, ये बहुत मजबूत गठबंधन है। अन्याय, अत्याचार और साजिशों के खिलाफ 22 जनवरी 2019 दिन मंगलवार प्रातः 11 बजे पोल खोल जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस पोल खोल जिला सम्मेलन में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर सम्मेलन को सफल बनाए स्थान NH2 रामलीला मैदान शिकोहाबाद, मुख्य अतिथि हरि ओम यादव, विधायक सिरसागंज निवेदक विजय प्रताप यादव छोटू भैया पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत फिरोजाबाद।